वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर टू पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है होल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में हम चार प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है आइडेंटिटी। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिटी क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडिशन के साथ। तो एडिशन में आइडेंटिटी का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। जीरो हैज अ स्पेशल रोल इन एडिशन। व्हेन अ होल नंबर इज एडेड टू जीरो, द रिजल्ट इज द सेम होल नंबर, दैट इज अ नंबर रिमेन अनचेंज्ड व्हेन एडेड टू जीरो। तो यहाँ कहा गया है कि जीरो का एडिशन में बहुत अहम रोल होता है, बहुत एक स्पेशल रोल होता है। तो हमें पता है अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो वो नंबर वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्या करेगा वो अपनी आइडेंटिटी को रीगेन रख रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, 11 प्लस जीरो इज इक्वल टू 11। तो एक एग्जाम्पल दिया है, 11 में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो 11 आएगा। ऐसे ही किसी भी नंबर में हम अगर जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। या फिर हम जीरो को क्या कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। तो जीरो को मैं आइडेंटिटी भी कह सकती हूँ, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर, या फिर क्या कह सकती हूँ मैं जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर भी कह सकती हूँ, क्योंकि जीरो को अगर मैं ऐड करूँगी किसी भी नंबर में तो आइडेंटिटी अपनी लूज नहीं करेगा और वो अनचेंज रह जाएगा। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या आइडेंटिटी होती है। सो यहाँ पे वन का केस पढ़ते हैं हम। हमें पता है कि वन अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा, वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा, 21 ही आंसर आएगा। इनफैक्ट कोई भी होल नंबर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा जैसे वो पहले था। तो इसीलिए वन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। तो इसी वजह से, क्योंकि वन से अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ तो उसमें चेंज नहीं आता, वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है, इसीलिए वन को बोला जाता है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर या फिर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। तो अब हम जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला है कि अगर मैं डिवीजन करूंगी जीरो से तो वो नॉट डिफाइंड होगा। मेरा मतलब, अगर मैं किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड है वो। अगर इससे ऑपोजिट केस हो, अगर मैं जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगी तो जीरो आएगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमें, अगर कहीं भी आ जाए एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, सो दैट इज नॉट डिफाइंड, उसका आंसर हम नहीं दे सकते। लेकिन जीरो डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर अगर इस तरह हो क्वेश्चन, तो उसका आंसर जीरो आता है। व्हेन अ होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, द रिजल्ट इज जीरो, दैट इज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो चेंजेस टू जीरो। तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर मैं किसी भी होल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर भी जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 18 मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो 18 क्या, किसी भी नंबर को मैंने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जीरो ही आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।